हे द बॉयज गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल, जहाँ पर आज हम खेल रहे हैं पोकेमोन एडवेंचर रेड चैप्टर। और मैं बहुत ही ज़्यादा हाइप हूँ इस गेम के लिए। मैंने कब से वेट कर रहा था यार, मैं मतलब कब से वेट कर रहा था कि एग्ज़ाम ख़त्म हो मेरी और मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँ। लेकिन गाइज, फाइनली गाइज, आज हमारे एग्ज़ाम मतलब आज मेरी लास्ट एग्ज़ाम थी, जिसमें मुझे ड्राइंग करनी थी थोड़ी सी। तो मैंने जो भी मतलब पेड़ पौधे, चिड़िया, मतलब बादल, जो भी मतलब मेरे दिमाग में आया, मैंने सब ड्रॉ करके आ गया। तो ड्राइंग तो मतलब ठीक ही थी यार, इतना मतलब अच्छा नहीं, ड्राइंग भी नहीं करता मैं, लेकिन वैसे इतनी भी बुरी नहीं थी ड्राइंग यार। सच में, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में इतनी बुरी नहीं थी यार। मतलब काफ़ी लोगों से तो मैंने अच्छी बनाई थी ड्राइंग। सो गाइज, हम आज खेल रहे हैं पोकेमोन एडवेंचर रेड चैप्टर। और इस गेम के बारे में मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सच में यार इतना एपिक गेम है कि मतलब क्या बोलूँ इसमें। इसकी मांगा बन चुकी है, इसकी मतलब पहले मांगा बनी है वैसे, उसके बाद गेम आया है। ठीक है गाइज, और गाइज मैं बता नहीं सकता कि मुझे रिकॉर्डिंग करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो इतनी तेज़ हवा चल रही है, मैं छत पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार, क्या करूँ मैं। मतलब बार बार बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है यार, हवा चल रही है इतनी तेज़। आज पता नहीं क्या हो गया, आज ही हवा चल रही थी इतनी तेज़ है मुझे। चलो गाइज, अभी टाइम पास नहीं करेंगे ज़्यादा, सीधा गेम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हाइप हूँ इस गेम के लिए। एक तो कितने बार, मतलब 4-5 बार मैंने इसको, इसके एपिसोड को मैंने रिकॉर्ड किया है। इसी एपिसोड को, एक एपिसोड को रिकॉर्ड करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है यार, क्या करूँ। बार बार मतलब कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। एक तो ये मेरा रिकॉर्डर इतना बेकार है कि क्या बोलूँ, मतलब बार बार मतलब हैंग कर रहा है और रुक जा रहा है मतलब सच में। इसलिए अभी मैं थोड़ा मतलब फ़ोन में जो स्क्रीन रिकॉर्डर आता है ना, उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा तो वो बेकार सा रिकॉर्डर है, ठीक है, चल ही नहीं रहा है। चलो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले तो अपना निक नेम रखते हैं, मतलब नेम रखते हैं, सॉरी निक नेम क्या होता है ये। और गाइस, मैं हमेशा की तरह वही घिसा पिटा नाम रखने वाला हूँ, जियो। एक मिनट, जेड तो तक, अरे यार, एक तो गाइस मैं ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, या तो मैं ठीक से आवाज़ रिकॉर्ड कर सकता हूँ या फिर गेम। तो वॉइस पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बस बैकग्राउंड में नॉइज़ ना आओ यार, प्लीज़ यार, नॉइज़ मत होना यार बिल्कुल भी, वरना फिर मेरा पूरी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा नॉइज़ ना आए बस, क्योंकि एडिटिंग में थोड़ी सी नॉइज़ तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, लेकिन अगर ज़्यादा नॉइज़ हुई तो मैं क्या करूँगा फिर। और गई, ये सब वही बकवास चल रही है हमेशा की तरह। डोंट टेल मी यू वॉन्ट डिओक्सिस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे पता है ये डिओक्सिस के बारे में बातें कर रहे हैं, और ये मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, और क्या। ये पढ़ने वाला नहीं हूँ गई, इसमें बोर हो जाता हूँ। एक तो इतना लंबा चौड़ा एक ही चीज़ बार बार पढ़ पढ़ के, मैं एक तो मैं ये कितने 5वीं बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है इस एपिसोड को। मैं ये मतलब ये कुछ डिओक्सिस पे हमला करने वाले होते हैं ये लोग, लेकिन गलती से वो उन बच्चों पे हो जाता है, मतलब जितने भी चारों खड़े थे ना, चारों पांचों पे उन पे अटैक हो जाता है। तो वो लोग पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं, और मतलब और पता नहीं क्या होता है क्योंकि मैंने इस गेम को बिल्कुल नहीं खेला है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसकी स्टोरी क्या है। और ये वाला सीन मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा सीन है, कहाँ का सीन है। मुझे अब पीछे ग्रास दिख रही है और ये फूल है, ये मतलब क्या है, कौन सी जगह है सच में गाइस। ये और ये लोरिन कुछ होती है, मतलब कौन होती है पता नहीं, लेकिन ये शायद विलन है, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है, मतलब इसकी बातें सुन के तो ऐसे ही लग रहा है। नो नो नो, दिस कांट बी। अच्छा, प्रोफेसर ओक्स, लोरिन प्लीज़, वी कांट लेट लूज पेरेंट्स ही। अच्छा, दिस वी नीड टू कॉन्टेक्ट बिल। यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्रोफेसर ओक भी बात कर रहे हैं इसके साथ, लगता है वो भी मिला हुआ है। मुझे तो उस पर पहले ही शक था यार, वो एक नंबर का मतलब चालू इंसान है वो, ठीक है, उससे तो मतलब उससे अच्छा तो यार वो प्रोफेसर सिकामोर है, हाँ वो भी अच्छा है वैसे। ऐसे सबसे अच्छा प्रोफेसर कोई है तो वो है, मुझे लगता है प्रोफेसर, वैसे कौन से थे यार, मुझे नाम ही याद नहीं है सबके, सच में कहीं मुझे नाम याद नहीं है। एक तो था प्रोफेसर ओक है ना, जो अपना शुरुआत में है केंटो का,
और जोटो का कौन है मुझे याद नहीं। और मम्मी ने मुझे डांट के मतलब मेरा गेम मतलब गेम बंद कर दिया है, और अभी मुझे बाहर जाने को बोल रही है। और इतनी तेज हवा चल रही कि मैं क्या करूं यार। गाइस अभी तो बाहर जाना ही पड़ेगा वरना मैं चप्पल से मार खाऊंगा। यहाँ पर पूरे दिन घर पे बैठे बैठे गेम खेलता रहता हूँ मैं। आज मम्मी ने डांट ही दिया। अब माइनक्राफ्ट भी नहीं खेल सकता, ये माइनक्राफ्ट भी नहीं चल रहा। देखो मम्मी के डांट के कारण सब बंद हो गया। अब बाहर जाना ही पड़ेगा और क्या, मतलब मम्मी मुझे मार मार के मतलब भेज देंगे बाहर। और क्या खाना नहीं मिलेगा मुझे फ्रीज में, देखो कुछ है क्या। अरे कुछ तो होना चाहिए ना। इट शुड बी पैक्ड विद ऑल काइंड ऑफ डिलीशियस थिंग्स टू ईट। ओहो क्या बात है, मतलब सब कुछ। अरे यार कुछ तो दे दो यार, भूख लग रही है। मम्मी ने चाय भी नहीं बनाया यार। सुबह सुबह उठ के मुझे चाय चाहिए होती है। मम्मी चाय तो बना देते कहीं। इट्स स्मॉल डिलीशियस समबडीज बी कुकिंग हेयर। अच्छा मम्मी ने कुछ बनाया भी नहीं यार। इस मियाँ को ही खा जाऊँ क्या, वैसे ये टेस्टी नहीं है यार। चलो चलते हैं बाहर जाके कुछ ढूंढते हैं। घास फूस भी चलेगा यार, हम तो कुछ भी खा लेते हैं। हो चलो 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 हाँ रहन देते हैं। वैसे गाइस मुझे कल मैंने ना एक गाना सुना था, पोकेमोन का थीम सॉन्ग था, वो बहुत बढ़िया वाला, तो मैं थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ। तो गाइस वैसे चप्पल जूते मत मारना ठीक है गाइस, वेस्ट मत करना। टमाटर भी मतलब बहुत महंगे हैं, तो वेस्ट मत करना, कुछ भी फेंक के मारने की जरूरत नहीं है ठीक है। थोड़ा गला ठीक कर लेता हूँ। चलो गाइस मैं ये कर सकता हूँ। क्या था यार वो गाना, मेरे कहाँ से यार स्टार्ट होता है। हाँ बनू मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना, बनना है मुझे पोकेमोन मास्टर, और अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं आता। चलो ठीक है यार छोड़ो यार, पॉलीबैग से बात करते हैं। बेचारा अकेला है मेरी तरह, मैं भी कितना अकेला हूँ यार। इससे बात करते हैं चलो। पोली बैग, इस ये क्या बोल रहा है, बस ये पोली पोली बोलने के अलावा कुछ और आता है तेरे को। हाँ आना तो। अरे यार तू डरा हुआ है क्या, ओ सो सैड। पर मैं क्या करूँ अभी, तुझे चॉकलेट खिलाऊँ क्या। ऐसे यार आइसक्रीम खानी है मुझे, चॉकलेट नहीं यार। मेरे पास चॉकलेट भी नहीं है, मैं कितना कंगाल आदमी हूँ, जेब में एक पैसा भी नहीं है मेरे पास। और ये ग्रीन गया अपनी सफ़र पे, और ये ब्लू तो हमेशा की तरह मम्मा पापा करते रहती है जब जब देखो। हाँ ना, तो इसको खोने के अलावा और कोई काम नहीं आता। अच्छा ठीक है गाइस, अभी चैप्टर 1 स्टार्ट होने वाला है, पोकेमोन फैंटम पोकेमोन। हाँ ओके बड़ी, वी हैव ऑफिशियली साइंड फॉर द इंडिगो लीग, सून भी आगे हम बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेनर का सामना करेंगे। मैं थोड़ा हिंदी में डबिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देख लेना गाइस। हा, डोंट वरी बड़ी, तू और मैं मिलकर सभी का सामना कर लेंगे। वैसे इतनी घटिया हिंदी डबिंग किसी ने की नहीं होगी आज तक। चलो ठीक है गाइस। हाँ वी आर बेस्ट, वैसे मुझे पता है ये, मुझसे ज़्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं। पर ओ माई आर्चर्स जस्ट गेट इन साइड द पोकेबॉल। ऑल राइट कैली ने बोला ये। चलो गाइस इसकी मदद करते हैं, इस कैली की। वैसे मैं लाइन नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता दूँ। ओ इसने तो हमें पीछे ढकेल दिया, ये तो ठीक बात नहीं है यार। वाई डज इट कीप ब्रेकिंग आउट ऑफ द पोकेबॉल, आई गिव अप आई गिव अप। अच्छा मैं तुझे एक मतलब बात करना चाहूँगा, पोकेमोन ट्रेनर होने के नाते। देख सबसे पहले तो पोकेमोन को थोड़ा वीक किया जाता है, उसे घायल किया जाता है, उसके साथ बैटल की जाती है ठीक है। तू एक नंबर की भोंदू है, तुझे कुछ नहीं पता। अब तुझे एक एक्सपर्ट जियो नाम का एक लड़का
सिखाने वाला है तुझे कि कैसे पोकेमोन को पकड़ा जाता है, ठीक है? ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा, ठीक है? मैं दो दो बार मैं बोलने वाला नहीं हूँ, ठीक है? मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, मैं आज कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन चलता है। देख, सबसे पहले पोकेमोन को वीक किया जाता है उससे बैटल करके, उसके बाद फिर फेंका जाता है पोकेबॉल, और हो सके तो पोकेबॉल सर पे ही फेंकना, क्योंकि वैसे बेचारे का सर फूट जाएगा। आराम से फेंकते पोकेबॉल तो ठीक है। चलो गाइस, हम इसकी मदद करने वाले हैं, पोकेमोन पकड़ के देंगे हम इसको। कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? अब इतना प्यार से बोल रहे तो ठीक है, चलता है यार अपने को, कुछ नहीं। अब मैं चल ठीक है यार, अब मैं इतने ज़्यादा भाव भी नहीं खाऊंगा, वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ वैसे पूरे दिन, लेकिन अब तूने इतने प्यार से बोला तो ठीक है, हेल्प कर देते और क्या। पॉली भी तैयार है, मतलब पॉली बैग। वाओ, यू हैव अ पोकेमोन, दिखाई नहीं दे रहा, मेरा ही पोकेमोन है। डज इट हैव अ नेम? नेम तो वैसे नहीं है कोई, तो रख देते हैं और क्या है। सो गाइस, इसका नाम मैं रखने वाला हूँ एक्वा। ये गाइस नाम वैसे बहुत बढ़िया है, एक्वा रखने वाला हूँ इसका नाम, इस पर सूट भी करता है वैसे, वाटर टाइप है तो मतलब सूट भी करता है इस पर एक्वा, तो इस पर इसका नाम रखते हैं हम एक्वा, और बस हो गया। चलो गाइस, अब एक्वा हो चुका है हमारा, मतलब पोकेमोन का नया नाम, तो हो जाए अभी, लेट्स गो गाइस, हियर वी गो। ओहो क्या बात है, नीनो रीनो को हम तो मतलब ऐसे ही चुटकी बजा के हरा देंगे, पता नहीं है उसे कि हम कितने ताकतवर हैं। अरे बेस्ट ट्रेनर है हम यहाँ पर, म्यूटो को भी हमने मतलब पकड़ लिया था, तो ये तो मतलब कुछ नहीं है यार हमारे लिए, एक ही मारूंगा ना इसको, ये तो दूर जाके गिरेगा, अपने एक्वा से कोई पंगा नहीं ले सकता। वैसे गाइस, अगर वॉइस मतलब अगर वॉइस ओवर में कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना वैसे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही हो रही, मतलब नॉइज़ आ रही होंगी बहुत सारी, क्योंकि एक तो मेरे पास ठीक से ढंग का कुछ ईयरफोन भी नहीं है यार ढंग का, और मैं अपने मुंह के इतने पास रख के मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि क्या बोलूँ अभी, क्योंकि फिर दूर रख के बोलता तो आवाज़ ठीक से नहीं आती। छोड़ो यार, ये सब चलता रहता है, मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगा। गाइस वैसे मैं सोच रहा था, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं पोकेमोन यूनाइट खेलूँ यार, यार ये बोल नहीं पाया ठीक से, पोकेमोन यूनाइट में से उसमें बढ़िया गेम वैसे वो भी खेल सकते हैं, माइनक्राफ्ट खेलूँगा मैं वैसे, मैक पिक्सल में वो पिक्सल मोन उसमें। और गाइस अब मैं थोड़ा सा बोरिंग होने वाला हूँ, चलो गाइस इसे हम जल्दी से फिनिश करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं इसका खेल, इसे समझ क्या रखा है आपने आप, हाँ ना, तो हमसे ज़्यादा ताकतवर तो कोई है ही नहीं, देखा एक एच भी ख़त्म नहीं हुई मेरी, ऐसे वो बीच में बैरी वो बैरी वाली बात भूल जाना, ठीक है। वाह क्या बात है, कितना स्लो चल रहा गेम, अरे यार थोड़ा फास्ट करते हैं गाइस, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही स्लो हो रहा है। ओ माय आरसीएस, यू डिड इट, यस आई डिड इट, आई एम द बेस्ट, या तुझे पता नहीं कितना ताकतवर हूँ मैं, अरे अच्छे अच्छे मेरे सामने पानी भरते हैं, अरे यार मम्मी बुला रही हैं। चलो गाइस, मम्मी ने बोल दिया है अभी बहुत हो गया तेरा, जल्दी नीचे नहीं आया तो पीटेगा तू। आई एम गोइंग टू प्ले विथ माई न्यूडोरिनो, थैंक यू। अब थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हम क्या करें, अब तो मतलब कुछ रह ही नहीं गए, ऐसे हम थोड़ा घूम सकते हैं वैसे, हाउ अबाउट वी फाउंड सम ट्रेनर इन द फॉरेस्ट। वैसे गाइस यहाँ पर हम जा नहीं सकते, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं वैसे, ये यहाँ पर क्या कर रही कोने में, और एक मिनट गाइस, यहाँ पर ये
ये अब ये मुझे पता है कि ये बुढ़ा यहाँ पर खड़ा था यार, यहाँ से गायब कैसे हो गया? यहाँ पर खड़ा था, अचानक से गायब हो गया यार। ये जादू क्या है? कुछ तो गड़बड़ है बुढ़े, तू गायब कैसे हो गया यहाँ पर? ये खुद पागल है यार, ये मुझे पागल कर रहा है। वैसे नीरू नीरू तो यहाँ पर है यार। ए व्हाट, अभी अभी यहाँ पर थी यार ये? क्या हो रहा है गेम में? कुछ गड़बड़ है यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कुछ तो चल रहा है यहाँ पर, मुझे डर लग रहा है। वैसे गेम में सच में कुछ गड़बड़ है। नर जो से मिल के आते हैं, थोड़ा डर थोड़ा दूर हो जाएगा हमारा। आए नर जो है, वैसे क्या हाल चाल है आजकल? अगर आज मतलब अगर आप फ्री हो आज शाम को तो चलते हैं कॉफ़ी के लिए। ऐसे कॉफ़ी की भी चल सकता है, या फिर हम किसी मॉल में चल सकते हैं। वैसे भी मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, पोकीबॉल वगैरह, पोकीबॉल से खरीदनी थी थोड़ी सी पोशन वगैरह। चल सकते हैं आज मॉल में। एक मिनट यार, सो नर्जो है, क्या सोचा आपने? कॉफ़ी के लिए चलें क्या आज? आज ना हो तो मतलब आज से, अगर आप बिजी हो तो चलेगा, मुझे कल भी चल सकते हैं। वैसे मैं कल भी फ्री हूँ, अभी तो मेरी मतलब एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, तो मैं अभी फ्री हूँ वैसे पूरे दिन। हम कभी भी चल सकते हैं। वैसे कैसा ख्याल है, मतलब आज चलें या कल? वैसे अगर आज हो तो ठीक है, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आज शाम को चलते हैं ना नर्जो है? देखा जेंसी भी हाँ बोल रही है, चलना ही चाहिए वैसे आज हमें। जेंसी संभाल लेगी वैसे नज़ोएम। चलो गाइज, हमारी डेट है कल, कल नहीं आज है वैसे, आज शाम को है वैसे, लेकिन मेरे लिए तो कल ही होगी, क्योंकि अभी तो रात हो रखी है मेरे यहाँ पर। तो कल हम गाइज डेट पे जाने वाले हैं, और खबरदार जो किसी ने भी मतलब किसी ने भी टांग अड़ाई तो ठीक है गाइज, मैं डेट पे जाने वाला हूँ कल। कल मैं एकदम तैयार वैयार होकर डेट पे जाऊँगा, और रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग में कुछ नहीं करने वाला कल, ठीक है गाइस? आज कल मेरी डेट है, इसलिए नर्स जोए के साथ मेरी डेट है कल, नहीं तो मैं डेट पे जाऊँगा, और रिकॉर्डिंग तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। सो गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं परसों, क्योंकि कल तो मेरी डेट है ना। वैसे कोई चलो गाइज, वैसे अभी बहुत हो गया टाइम पास, बहुत बकवास कर ली मैंने आज। तो जल्दी से गेम को सेव करते हैं और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो मज़ा आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए अगर जाना मत गाइज। सो गाइज, टाटा बाय बाय।